और मध्य प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए खबर पर नजर के साथ बने रहिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। संस्था समर्थ राष्ट्रधर्म द्वारा नगर के निम्न वर्ग के लोगों को लगातार भोजन कराया जा रहा है, जिसमें पूर्व पार्षद सुधीर देड़गे और मित्र मंडल द्वारा पश्चिम क्षेत्र के इलाकों में भोजन कराया जा रहा है। रोजाना 300 से 400 लोगों को भोजन की व्यवस्था की जा रही है और वैक्सीनेशन कराया जा रहा है। संस्था समर्थ राष्ट्रधर्म द्वारा नगर के निम्न वर्ग के लोगों को लगातार भोजन कराया जा रहा है, जिसमें पूर्व पार्षद सुधीर देड़गे और मित्र मंडल द्वारा पश्चिम क्षेत्र के इलाकों में भोजन कराया जा रहा है। रोजाना 300 से 400 लोगों को भोजन की व्यवस्था की जा रही है और वैक्सीनेशन कराया जा रहा है। संस्था समर्थ राष्ट्रधर्म द्वारा नगर के निम्न वर्ग के लोगों को लगातार भोजन कराया जा रहा है, जिसमें पूर्व पार्षद सुधीर देड़गे और मित्र मंडल द्वारा पश्चिम क्षेत्र के इलाकों में भोजन कराया जा रहा है। रोजाना 300 से 400 लोगों को भोजन की व्यवस्था की जा रही है और वैक्सीनेशन कराया जा रहा है। बताइए, आपके द्वारा जो प्रकल्प चलाया जा रहा है कोविड काल में अनाथ और जनधन श्रमिक व्यक्तियों के लिए भोजन की व्यवस्था, तो वो कब से चल रही है? संस्था समर्थ राष्ट्र धर्म के सदस्यों द्वारा विगत 20-22 दिनों से कोविड प्रभावित परिवार, निराश्रित परिवार और अत्यंत निर्धन परिवारों के लिए भोजन सेवा का प्रकल्प शुरू किया है। ऐसे कुछ परिवार निम्न बस्तियों से चिन्हित किए हैं, जिनके परिवारों में रोजगार की आज भी समस्या है और अभी बराबर रोजगार भी शुरू नहीं हुए और या तो उनके कमाने वाला कोई घर पर है नहीं। ऐसे परिवार को हमारे कार्यकर्ताओं द्वारा चिन्हित किए गए हैं। लावड़िया भेरू की माली मुल्ला है, लावड़िया भेरू वाला क्षेत्र है, अपना चांदमारी ईट भट्टा, चांदमारी कंपाउंड, समाजवादी इंदिरा नगर का कुछ हिस्सा है, आदर्श इंदिरा नगर है, पंचमूर्ति नगर, लोकनायक नगर और इधर अपना महावर नगर है, रेवेन्यू नगर है। ऐसी जो निम्न वर्ग की बस्तियां हैं जहां पर कोविड का प्रभाव हुआ है और ऐसे परिवार जो वाकई में अभी बड़े संकट से गुजर रहे हैं, ऐसे परिवार को हमारे कार्यकर्ताओं ने चिन्हित किया और उन चिन्हित परिवारों पर हम प्रतिदिन लगभग 400 परिवारों में प्रतिदिन खाना पहुँचाते हैं और ये इस कार्य के लिए हमारे करीब 50 से 60 कार्यकर्ता प्रतिदिन जुटे रहते हैं। 25-30 तो यहाँ पर बनाने के लिए लगते हैं और 25-30 कार्यकर्ता हमारे बस्तियों में भोजन वितरण के लिए लगते हैं। अच्छा, ये प्रकल्प सुबह कितने बजे स्टार्ट हो जाता है आपका? सवेरे 7 बजे से इसकी तैयारियाँ शुरू हो जाती है और लगभग 12-12:30 बजे तक हमारा पूरा खाना तैयार हो जाता है। चूँकि सब्जी और खिचड़ी यहाँ पर हम बनाए जाते हैं और रोटी हम मशीन के द्वारा बनवा के बुलवाते हैं, जिससे कि हमारा काम आसान हो जाता है और शुद्धता के साथ खाना बनाकर हम बस्तियों में पहुँचाते हैं। इस प्रकल्प के अलावा और क्या क्या सेवा चल रही है आपके कोविड काल में? कोविड काल में हमारा सेवा के अंतर्गत तो हमारा भी विशेष जोर वैक्सीन लगाने के लिए है, जन जन को जागरूक करने के लिए, उन्हें जागरूक करने के लिए कि वैक्सीन लगाना अनिवार्य है और वैक्सीन लगाएंगे तो आपका जीवन भी सुरक्षित रहेगा, आपका परिवार सुरक्षित रहेगा और अपना समाज सुरक्षित रहेगा। तो वैक्सीन लगाने के लिए अभी फिलहाल हमारा बड़ा जोर दिया जा रहा है। साथ ही वर्षा ऋतु शुरू होने वाली है तो वर्षा ऋतु में वृक्षारोपण के लिए भी हम बस्तियों में और आम जन से निवेदन कर रहे हैं कि अधिक से अधिक वृक्ष लगाएं, क्योंकि ऑक्सीजन देखा गया है कि जो ऑक्सीजन की कमी महसूस की गई थी, हम चाहते हैं कि अधिक से अधिक वृक्ष लगाएं और वृक्षों के माध्यम से हरियाली हो और हरियाली के माध्यम से इस प्रकार की जो महामारी आती है उसके कहीं ना कहीं रोकथाम हो।
तो ये प्रकल्प आपका कब तक चलेगा कोविड काल का भजन? ये जो प्रकल्प हमारा द्वारा चलाया जा रहा है लगभग 20-22 दिनों से तो चलाया जा रहा है, लेकिन अब लॉकडाउन खुलना शुरू हो चुका है, अब कुछ ही दिनों में हम इसको लॉकडाउन जैसे पूर्ण खुल जाता है तब इस प्रकल्प को बंद कर दिया। लोगों का कैसा रुझान रहा जब आप उनको देने जाते हैं तो उनकी तरफ से क्या आपको मतलब क्या अलग से? बस्तियों में मेरा काफ़ी संपर्क है, मेरे वार्ड में भी काफ़ी बस्तियाँ हैं, तो लगातार मुझे फ़ोन आया करते थे कि भोजन की व्यवस्था नहीं हो पा रही है, घर में अनाज नहीं है, राशन नहीं है, कोई ब्याज पे भी पैसा दे नहीं रहा है, तो भोजन की बड़ी दिक्कत हो रही है। तो हमने इस दिक्कत को समझते हुए हमारे कार्यकर्ताओं ने यह तय किया था कि इस प्रकार के परिवार अपन चिन्हित करें और सिर्फ उन्हीं परिवार को हम भोजन पहुँचाएँ, और भोजन यहाँ से 12:30-1 बजे बन के तैयार हो जाता है, तो वहाँ पर इंतज़ार करते हैं भोजन का कि कब भोजन आए और हम भोजन करें, और ये सतत प्रक्रिया चल रही है पिछले 20-22 दिन से, और आगे हम और रखेंगे जारी जब तक कि उनकी व्यवस्थाएँ हो नहीं जाए, ईश्वर हमें ताकत नहीं दे तब तक। आपका शुभ नाम बताएं। सुधीर देड़गे। और कौन से वार्ड से आप? पूर्व पार्षद वार्ड क्रमांक 70। क्या आपको या आपके परिवार में किसी को कम सुनाई देता है तो आज ही लगाएं नई टेक्नोलॉजी वाली कान की मशीन मात्र 1600 रुपए में। जी हाँ, आपने सही सुना, कान की मशीन 1600 रुपए में। अभी ऑर्डर करें कान की मशीन। क्या आपको आपके परिवार में किसी को बवासीर, भगंदर, मसी की समस्या है? जलन वदर से मुक्ति पाने के लिए आज ही हमसे संपर्क करें और आज और अभी कॉल करें। धन्यवाद। हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन दबा के ऑल पर सिलेक्ट कर लें ताकि हमारी लेटेस्ट